हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रवा इडली, प्लेन इडली एंड वेज इडली। जो रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, अगर आप भी उसी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आपकी इडली भी उतनी ही टेस्टी बनेगी और उतनी ही रुई जैसी सॉफ्ट बनेगी जैसी मेरी बनी है। इसके लिए आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया एक कप सूजी और एक कप दही। आप दही की जगह छाछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में लिया है नमक। अब मैं सबसे पहले एक बाउल में डालूंगी एक कप सूजी और दही। दही हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे। सूजी जो है वो पानी बहुत पसंद करती है, वो बहुत पानी पीती है, इसलिए हमें पानी अभी नहीं डालेंगे, हम पानी बाद में ऐड करेंगे। अभी बचा हुआ दही भी ऐड कर देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक थिक बैटर हमारा बन करके तैयार हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि जो हम सर्व करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत नमक होता ही है। ये देखिए, अब हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मिलाएंगे। ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस मिक्स करना है ताकि अच्छे से मिक्स होकर हमारा एक बैटर अच्छा सा बन जाए। अब हम इसे ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि जो हमारी सूजी है वो फूल जाए और जितना भी दही में पानी है वो सूजी पी ले। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा बैटर भी गाढ़ा हो चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट यानी कि मीठा सोडा। 1/4 टीस्पून ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे ही बहुत फूल करके तैयार हो जाएगी। और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच छोटा पानी ताकि हमारी जो मीठा सोडा वो एक्टिवेट हो जाए और अपना काम करना शुरू कर दे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर हो जाए। ये देखिए, अब मैंने इडली स्टैंड में पानी डालकर रखा है। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी नींबू ताकि हमारा जो इडली स्टैंड है वो ख़राब नहीं हो, यानी कि काला नहीं पड़ जाए। आप भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा और पानी नीचे वाले लेवल तक ही रखिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारी इडली के ऊपर भी पानी आ जाएगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब जितने हमारा पानी गर्म हो रहा है उतने हम हमारे मोल्ड्स को ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए, इसे ऑयल से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। इससे 2 प्रॉफिट्स हैं, एक तो हमारा बैटर चिपकेगा नहीं और जो हमारी इडली है वो इजीली निकल भी जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर। बैटर डालने से पहले आप ध्यान रखें कि इसे अच्छे से एक बार फिर से मिला लें और इसे 3/4 ही फुल करेंगे हम हमारे मोल्ड्स को। जो हमारा सांचा इडली का, हम पूरा नहीं भरेंगे इसे बैटर से। अगर आप पूरा भर देंगे तो इसका जो इडली फूल करके रेडी होगा वो बाहर निकल जाएगा स्टैंड से और प्रॉपर शेप नहीं रहेगी, इसलिए 3/4 ही रखिएगा। अब इसे 2 से 3 बारी टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब हम इसे इडली स्टैंड में रख देंगे और इसे हाई फ्लेम से और मीडियम फ्लेम तक रख के 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। ये देखिए, मैं इसको ऊपर का ढक्कन लगा करके इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख रही हूँ। साथ ही मैं अब जितनी स्टीम हो रही है मैं हमारी वेज इडली की भी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये बैटर बना करके तैयार रखा है, जैसे हमने प्लेन इडली का बनाया था बिल्कुल वैसे ही बना करके रेस्ट हो करके ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे अनियंस एंड टोमेटोस। आप चाहें तो यहाँ पर मटर और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल प्लेन इडली वेज इडली बनानी सिखाई है बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर ही डाले हैं। अब हम इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1/2 छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो 1/4 ही ऐड करिएगा। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें वही हमारा मीठा सोडा डालेंगे। इसे हम बिना इनो के बनाने वाले हैं, फिर भी ये उतनी ही रुई जैसी सॉफ्ट बनने वाली है जितनी इनो से बनती है। इसमें वही पानी डालेंगे इसके एक्टिवेशन के लिए।
और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। ध्यान रखिएगा बार बार इसकी डायरेक्शन ना चेंज करें। ये देखिए हमारी प्लेन इडली कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम प्लेन नाइफ बाहर आ रहा है, इट मीन्स कि हमारी इडली एकदम रेडी है। ये देखिए कितनी फूली है। अब हम वही हमारा प्रोसेस रिपीट करेंगे वेज इडली के लिए भी। वही हम हमारे मोल्ड्स को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के लिए और इसमें वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने प्लेन इडली में किया था। अब हम हमारा इसमें बैटर पोर करेंगे। ये देखिए हमारा बैटर कितना फूल करके तैयार हो चुका है, जस्ट डबल हो चुका है। इसी तरह हम हमारे सारे मोल्ड्स में ये बैटर फूल कर लेंगे और इसे भी 20 से 25 से मिनट के लिए स्टीम करेंगे। ये देखिए इसे भी अब टैप करके ही रखेंगे। ये देखिए मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लिया है। ये देखिए अब हमारी इडली बन चुकी है। इसे भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम प्लेन नाइफ आया है बाहर, इट मीन्स कि ये इडली बन करके तैयार हो चुकी है हमारी। आप चाहें तो इसे टूथपिक की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखिए एकदम प्लेन टूथपिक बाहर आई है, इट मीन्स कि ये इडली एकदम परफेक्ट स्टीम होकर के तैयार हो चुकी है। अब आई प्लेटिंग की बारी। तो मैंने इडली को जो है सांभर के साथ सर्व किया है। आप भी सांभर के साथ या किसी भी चटनी के साथ, जैसे कि नारियल की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो प्लेन इडली है वो कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, एकदम अच्छे से प्रेस हो रही है, कितनी स्पॉन्जी है, एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, ये देखिए हमारी साउथ इंडियन थाली कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, प्लेन इडली तो दिखा दी, अब मैं आपको दिखाती हूँ वेज इडली। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन है कितना प्यारा लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए, अगर आपको भी मेरी सांभर की रेसिपी चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा दोस्तों। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी।